हेलो गाइस, इस वाले वीडियो में हम बैंडिट लेवल 5 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जो पासवर्ड है नेक्स्ट लेवल का वो स्टोर्ड है किसी फाइल में जो प्रेजेंट है इन हेयर डायरेक्टरी में, और हमें फाइल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, जैसे कि फाइल ह्यूमन रीडेबल है, उसका साइज़ है 1033 bytes और फाइल नोट एग्जीक्यूटेबल है। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक फ़ाइल में लिख लिया है। तो चलिए इस फाइल लेवल को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बैंडिट 5 यूज़र में लॉगिन होऊंगा यूजिंग SSH। उसके लिए कमांड है SSH बैंडिट 5 @bandit.labs.overthewire.org -p पोर्ट नंबर मेंशन करने के लिए 2220 एंटर। हमें यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है, मैं यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+Shift+V पेस्ट करने के लिए एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बैंडिट 5 यूज़र में लॉगिन हो गया हूँ। हुआ माय कमांड चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो बैंडिट 5, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये वाला लेवल सॉल्व करने से पहले मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। जब भी आप ls-la कमांड रन करते हो तो सबसे ऊपर आपको एक सिंगल डॉट और एक डबल डॉट दिखता होगा। ये सिंगल डॉट रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे अभी आप प्रेजेंट हो, और डबल डॉट रिप्रेजेंट करता है वन डायरेक्टरी बैक, जहाँ पर अभी आप प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल, अगर मैं कमांड रन करूं pwd, तो सिंगल डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है /home/bandit, और डबल डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वन डायरेक्टरी बैक, इट मीन्स /home। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली बात याद रखना। अब हम इस वाले लेवल को सॉल्व करते हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जिस फाइल में मेरा पासवर्ड स्टोर्ड है वो प्रेजेंट है इन हेयर डायरेक्टरी में। तो सबसे पहले मैं इन हेयर डायरेक्टरी में मूव होऊंगा cd in here ls कमांड। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज है। अगर मैं अपने पासवर्ड वाली फाइल को इन वाले डायरेक्टरी में एक एक करके सर्च करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, इसीलिए इस वाले केस में मैं आपको एक न्यू कमांड सिखाने वाला हूँ जिसका नेम है find। आप इस कमांड की हेल्प से किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को बहुत जल्दी सर्च कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आता है find, उसके बाद पाथ, जहाँ से आपको फाइल को सर्च करना स्टार्ट करना है। मुझे स्टार्ट करना है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से, इसलिए डॉट। मुझे फाइल सर्च करना है, इसलिए टाइप -type f। और यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जो मेरा फाइल का साइज़ है वो है 1033 bytes, तो -size 1033 bytes, और करेक्टर सेम होते हैं इसलिए c। यहाँ पे आपको बाइट्स की जगह पे सी का यूज़ करना है कैरेक्टर। और मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जो मेरा फाइल है वो नोट एग्जीक्यूटेबल है, इसलिए -note-executable एंटर। ओके, यहाँ पे जो तो मेरे पास एक आउटपुट आया है, और मैं इस वाले आउटपुट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, उसके अंदर एक डायरेक्टरी है maybe here 07 करके। यहाँ पर आप देख सकते हो maybe here 07, सो cd maybe here 07। मैं यहाँ पर आ गया, और इसके अंदर एक फाइल है जिसका नेम है .file2। अब फाइल के नेम के आगे डॉट आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट, तो इसका मतलब है कि ये फाइल हिडन है। अगर आपको हिडन फाइल को लिस्ट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा -a। यहाँ पे आप देख सकते हो .file2 Ctrl+Shift+C cat Ctrl+Shift+V। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड मिल गया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+Shift+C। इसको मैं एक न्यू फाइल में सेव कर लेता हूँ vi bandit sys में, क्योंकि ये लेवल सिस का पासवर्ड है। Ctrl+Shift+V, कंफर्म के लिए कैट कमांड। ओके, ये सेव हो गया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।